Come to the next page, page number 13. Carefully study the following words and rearrange them to make meaningful sentences. Also remember to use capital letters and full stops. One has been done for you. दिए गए वर्ड्स को केयरफुली स्टडी करेंगे एंड रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. एंड आपको यह भी याद रखना है कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का. नीचे आपको एक करके भी बताया गया है. नंबर वन, हैव अ आई डॉग पेट. अब आप इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव अ पेट डॉग, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ. आई हैव अ पेट डॉग. फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर टू. कर्ली सोनिया हेयर हैज़. कर्ली सोनिया हेयर हैज़. अब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सोनिया हैज़ कर्ली हेयर, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. सोनिया हैज़ कर्ली हेयर. सोनिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे एस एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर थ्री, कंट्री इंडिया वास्ट अ इज. मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया का आई कैपिटल राइट करेंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर फोर, हाउस दिस ब्यूटीफुल इज. हाउस दिस ब्यूटीफुल इज, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है? नो. अब आप इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना. दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, यह एक ब्यूटीफुल हाउस है. मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. दिस का टी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर फाइव, मंकी द क्रोकोडाइल फ्रेंड्स द एंड वर. अब आप इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर फ्रेंड्स, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर फ्रेंड्स. मंकी एंड क्रोकोडाइल फ्रेंड्स थे, मीनिंगफुल सेंटेंस बना. द का फर्स्ट लेटर कैपिटल, टी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप बन एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. एंड नेक्स्ट सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क, जो आपको इवनिंग में मुझे करके चेक करवाना होगा. Come to the next page, page number 13. Carefully study the following words and rearrange them to make meaningful sentences. Also remember to use capital letters and full stops. One has been done for you. दिए गए वर्ड्स को केयरफुली स्टडी करेंगे एंड रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. एंड आपको यह भी याद रखना है कि कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना है. अच्छी डॉक्यूमेंट्री.